नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज न्यूज। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसटीएफ एसओजी और थाना रामचंद्र मिशन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में आज अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को 13 किलो 200 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक एसानंद ने आज रविवार को यहां बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पूरे प्रदेश में तस्करों की सुरागर्सी की जा रही थी। इसी क्रम में लखनऊ एसटीएफ के इनपुट के आधार पर शाहजहांपुर पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया था। एसटीएफ द्वारा शाहजहांपुर पुलिस को आज रविवार को सुबह करीब 11 बजे सूचना मिली कि राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर लखनऊ की ओर से 2 गाड़ियां स्कॉर्पियो व पिकअप आ रही है, जिनमें बैठे व्यक्तियों के पास अवैध पदार्थ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना पर तत्काल नेशनल हाईवे 24 पर आलम नर्सरी के आगे खन्नौत पुल के पास थाना रामचंद्र मिशन पुलिस एसओजी व एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी करते हुए लखनऊ की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी, तो कुछ समय पश्चात एक स्कॉर्पियो गाड़ी संख्या UK 4M 8888 अब एक बुलेरो पिकअप संख्या UP 22 3921 आई, जिन्हें रोककर गाड़ियों में बैठे चारों व्यक्तियों अवतार सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी कस्बा व थाना किच्छा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड, बलवीर सिंह पुत्र सूबेदार सिंह निवासी पढेरी कस्बा व थाना किच्छा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड, कासिफ पुत्र आमिर जनाव खान निवासी शेखपुर दक्षिणी मोहम्मदपुर चौराहा थाना बहेड़ी जिला बरेली, खूबकरण पुत्र झांझन लाल निवासी खकई नगर थाना बहेड़ी जिला बरेली की तलाशी ली गई, तो उनके कब्जे से कुल 13 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम, 53,000 रुपये नकद तथा 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। अभियुक्तों से बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 13,20,00,000 रुपये है। पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए थाना रामचंद्र मिशन पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा एक अंतरराज्यीय अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह पर कार्य किया जा रहा था। इसी सिलसिले में ये उनको पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिली कि इस गिरोह के 4 सदस्य 2 गाड़ियों से जनपद शाहजहांपुर से होते हुए ये निकल रहे हैं उत्तराखंड के लिए, तो इस पर एसटीएफ की बरेली यूनिट द्वारा यहाँ शाहजहांपुर को भी अलर्ट किया गया और शाहजहांपुर की पुलिस एसओजी के साथ मिलकर ऑपरेशन प्लान किया गया। ये दोनों ही गाड़ियाँ थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में इंटरसेप्ट हुई और नियमानुसार इनकी तलाशी ली गई। इसमें से एक गाड़ी बोलेरो पिकअप थी और दूसरी एक स्कॉर्पियो थी, जिनमें 2-2 व्यक्ति सवार थे। कुल मिलाकर 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 2 उत्तराखंड के हैं जनपद उधम सिंह नगर के और 2 बहेड़ी के हैं जनपद बरेली के। अवतार सिंह और बलवीर सिंह ये उत्तराखंड के हैं और कासिब और खूबकरण ये जनपद बरेली के हैं। इनके कब्जे से कुल मिलाकर 13 किलोग्राम 200 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 13,20,00,000 रुपये है। इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इसमें कई तथ्य ऐसे जानकारी में आए हैं जिन पर हमारी आगे की कार्रवाई चल रही है। मूलतः इतनी बात जानकारी में आई है कि ये झारखंड से ये लाया गया था ये कंसाइनमेंट और ये उत्तराखंड जा रहा था, और इसके पहले भी इनके द्वारा इस तरह से ये कारोबार किया गया है और इनके अन्य जो साथी हैं उनके बारे में जानकारी की गई है और उसके आधार पर कार्रवाई चल रही है। चारों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रामचंद्र मिशन में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।